चैनल साहिब पकवान में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम किंजल है। आज की जो रेसिपी है वो पूरी रेसिपी है। आप सबने बहुत सारी पूरियां खाई होगी, आलू पूरी खाई होगी, बीटरूट पूरी वगैरह सबने खाई होगी। तो आज की जो रेसिपी है वो है दाबेली स्टफ्ड पूरी मैंने बनाई है, जो आप टी टाइम पे, स्नैक्स टाइम पे, या तो बच्चों को या तो मेहमान जब आपके घर पे आए तब आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो चलो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बड़ी परात ले रहे हैं। परात के अंदर मैं 2.5 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ और मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। अब इसके अंदर मैं आधा बाउल है वो मैं घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल या तो बटर ले सकते हैं, ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से हमें आटे के अंदर मिक्स कर देना है। आप देख सकते हो हमारी बाइंडिंग इतनी आए, इतना हमें घी या तो ऑयल या तो बटर आप ऐड करना है। अब हमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करते जाएंगे, एक साथ में पानी ऐड नहीं करेंगे, हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है। ये आटा हमें जैसे हम पराठा बेलते हैं ऐसे ही हमें सख्त गूंथना है। तो ये आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें उसको गीले कपड़े में या 15 मिनट के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए रख देना है। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड आलू लिया है, जो 7 आलू है जो मैंने बॉइल्ड किया है। अब उसको मैश कर देंगे। ये आलू हमारा पूरा मैश हो चुका है। अब यहाँ पे हम गैस चालू करेंगे और गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल डालूँगी। ये जब हमारा गर्म हो जाए तब हम उसके अंदर 1 बाउल मैंने पूरा दाबेली का मसाला, जो मार्केट पे इजीली अवेलेबल होता है, वो मैंने यहाँ पे यूज़ 1 बाउल में ऑयल के अंदर मैं भून लूँगी। ये थोड़ा सा भून जाए उसके बाद हम उसके अंदर पूरा आलू जो हमने मैश किया है वो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे और हमें अच्छी तरह से हमें उसको मिक्स कर देना है। और गाइस, जब हम दाबेली का मसाला ऐड कर रहे होते हैं ऑयल के अंदर, तब हमें गैस की फ्लेम है वो पूरी हमें स्लो ही रखनी है, ताकि जो मसाला है वो हमारा जले नहीं। तो जो हमारा स्टफ्ड है यहाँ पे वो रेडी हो चुका है, उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा आटा सेट हो चुका है, तो हम उसके छोटे छोटे लुए बनाएंगे। तो यहाँ 2.5 कप मैदे के अंदर कुल टोटल यहाँ पे 9 पूरियाँ रेडी होगी। तो हम उसके बेल लेंगे। तो यहाँ सूखा आटे से हम लपेट लेंगे और उसके बाद हमें उसको बेल लेंगे। ये जो हमें बेलना है पूरी, वो हमें ज़्यादा उसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो हमें उसको पूरा बेल लेंगे। अब इसके अंदर हम जो स्टफ्ड हमने रेडी किया था वो उसके अंदर फिलअप कर देंगे। हम पूरी को पूरा फोल्ड कर देंगे, धीरे धीरे करके हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे पूरी को। अब जैसे ही वीडियो में देख रहे हो उसी हिसाब से हमें पूरा फोल्ड करना है और थोड़ा सूखा आटा हम उसको ऊपर रब करेंगे और धीरे धीरे हम उसको प्रेस करें। हमें बेलना नहीं है, हम ऐसे ही प्रेस करना है। तो ये हमारा पूरी स्टफ्ड रेडी हो चुकी है। हम उसको अलग प्लेट में रख देंगे और इसी हिसाब से हम दूसरी रेडी करेंगे। ये भी हमारी पूरी फोल्ड हो चुकी है पूरी। अब हम उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। तो एक ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसके अंदर हम उसको पूरी को फ्राई करेंगे। तो हमें गैस की फ्लेम पहले हमें थोड़ी सी स्लो ही रखनी है, ताकि वो पहले फ्राई हो जाए और उस अंदर से कच्ची ना रहे, इसीलिए बीच में से कच्ची ना रहे, इसीलिए हमें गैस की जो फ्लेम है वो हमें एकदम स्लो ही रखनी है और बीच बीच में ऐसे हमें पलटते रहना है। तो ये पूरी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम उसको निकाल लेंगे और इसी हिसाब से हम दूसरी फ्राई करेंगे। तो ये भी हमारी पूरी फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने सर्विंग प्लेट पे ले लिया है, तो उसके ऊपर मैं खजूर आमली की चटनी ऐसे रब करूँगी। उसके ऊपर मैं धनिया और फुदीना की चटनी भी रब करूँगी।
और हल्का सा मैं यहाँ पे सॉस भी ऐड कर रही हूँ, और इसके ऊपर मैं अनार के दाने हैं वो ऊपर डालूँगी, और प्याज भी उसके ऊपर मैं थोड़ी सी रख रही हूँ, और मैं यहाँ पे ढेर सारा धनिया भी उसके ऊपर रख रही हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं हमारी स्टफ्ड दाबेली पूरी, रेडी हो चुकी है जो बिल्कुल खस्ता बनी हुई है, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपने देखा है कि हमने रेसिपी कैसे बनाई है, जो इजी रेसिपी है, तो आप भी अपने घर पे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, जब गेस्ट आए तब आप जरूर उसको सर्व कीजिएगा। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको जो भी मेरे वीडियोस आए वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।